विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किया सम्मानित। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम आया सामने, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन रखा गया नाम। शिमला में होगी नाम की आधिकारिक घोषणा। हरियाणा में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिए बगावत के संकेत। नई पार्टी बनाने की तैयारी में बीजेपी नेता 2 जुलाई को जिंद रैली में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई। मालगाड़ियों के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, प्लेटफॉर्म और सिग्नल रूम हुआ क्षतिग्रस्त। यूपी में पैर जमाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी। आज से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाएगी आप। 2 जुलाई को निकालेगी लालटेन जुलूस। साक्षी मलिक ने योगेश्वर दत्त पर किया पलटवार। कहा, पहलवानों की एकता में सेंध लगाना चाहता है दुश्मन, उन्हें नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जोरदार झटका। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक ने छोड़ी बीजेपी, आज कांग्रेस में होंगे शामिल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का सेना पर आरोप। बोली, जवानों ने मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगवाए। गृहमंत्री की यात्रा के दौरान हुई घटना। हनुमान बेनीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। टिप्पणी से आहत राजपूत समाज आज अजमेर में करेंगे विरोध प्रदर्शन। मणिपुर में नहीं थम रहा है बवाल। विद्रोहियों ने बीजेपी नेता के घर को बनाया निशाना। सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। नोएडा में परथला फ्लाईओवर के उद्घाटन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्षी एकता पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी दल विकास को रोकने की कर रहे हैं साजिश। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार। राजस्थान में होगी मॉनसून की एंट्री। कई जिलों में होगी बरसात। बिग बॉस ओटीटी 2 में मॉडल जद की हरकत पर फूटा लोगों का गुस्सा। आकांक्षा को खींचने का तरीका नहीं आया लोगों को पसंद।